हाँ सब ठीक है। वो एम नहीं आया? वो आ रहा था लेकिन मैंने रोक दिया। क्यों? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो उसके साथ बना के रखनी चाहिए। अब आंटी अंकल भी नहीं रहे ना। ये मेरा जाती मामा है, आपको पता है उस रात अम्मी अब मुझे लेने आ रहे थे। ओह माय गॉड कोमल, कब तक करोगी तुम ये? बस भी कर दो। और क्या मतलब हेरा आपकी, मेरा घर है, मैं यहाँ बोलने से पहले भी सोचूं। ये घर हेरा का भी है, मैं तुम्हें सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ। और इस वक्त हमें बहुत बड़े फैसले करने हैं कि तुम्हारी नाकाम शादी को कैसे चलाया जा सके। कोमल, इसमें तुम्हारी मदद और कोई नहीं कर सकता। मैंने मदद मांगी भी नहीं, ये मेरा घर है, मैं यही रहूँगी। देखो, हम ये घर बेचना चाहते हैं। अब्बू का पोर्शन सेल करके हम इसे अलग कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो, ये अम्मी अब्बू की आखिरी निशानी है? आखिरी निशानी ये घर नहीं, तुम दोनों। पर देखो, ये तो नुकसान हुआ है नहीं। हमेशा ज़रूरत के वक्त मैं सबकी मदद करता था, लेकिन अब मुझे ज़रूरत है तो कोई भी मदद नहीं कर रहा। कोमल ठीक कह रही है, ये चचा चची की आखिरी निशानी है, इसे हमें किराए पे दे देना चाहिए। हम इस मुल्क से मूव होना चाहते हैं। नबील को बहुत लॉस हो गया है और जितना जल्दी हो सके हमें घर बेचना है। और अगर मैं इनकार कर दूँ तो? ये घर मेरा भी है। देखो, इसका बड़ा सिंपल सा हल है। इस घर को बेच के तुम अपना हिस्सा अलग कर लो और हेरा को उसका हिस्सा दे दो। यकीन नहीं आ रहा, अब्बू की डेथ को भी कुछ दिन भी नहीं हुए। और ठीक है, आप से समझाओ, बताओ उसे। मुझे कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं सुनना, समझे आप लोग? Oh, yes. आप लोग कुछ जल्दी नहीं कर रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है, पहले बेचें या बाद में? तो अभी बेच देते हैं ना। और वैसे भी अब इस घर का बड़ा मैं हूँ, तो सारे डिसीजंस मैं ही लूंगा ना। और कोमल के जो हालात हैं? कोमल बहुत कंफ्यूज्ड है, उसे सारी जिंदगी मैं पैम्पर नहीं कर सकती हूँ। मेरी और भी जिम्मेदारियाँ, हम सबकी जिम्मेदारियाँ। तुम घर कब चलोगे? अभी तो मैं यहीं पे हूँ कोमल के साथ। अहमद को बुलाना पड़ेगा मुझे, इसको रियलिटी चेक की ज़रूरत है। शी नीड्स टू गेट सीरियस अबाउट हर लाइफ। हम एक काम करो, अहमद और उसकी माँ से बात करो, जितनी जल्दी हो सके उसके अपने घर पर भेजो ना। नबील, उस रात चचा चची कोमल को वहाँ से हमेशा के लिए लेने के लिए जा रहे थे। वो घर दोजख है कोमल के लिए, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तो तुम उस घर को जन्नत बना दो। उस घर को दोजख बनाया किसने? अहमद की दूसरी बीवी का साथ तुम्हीं ने दिया है ना। हेरा, इस वक्त कोमल को हमारे साथ की जरूरत। और हेरा को भी तो तुम लोगों के साथ की जरूरत है ना। सिर्फ कोमल के बारे में सोचे जा रहे हो, उसके अलावा भी लोग हैं जो तकलीफ से गुजर रहे हैं। और अगर तुम्हें इन सब का इतना ख्याल है ना, कि इसको भी अपने पास रख लो। हो गए खुश नबील?